नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय एकेआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट थ्री स्टॉक्स। तीन स्टॉक्स के बारे में डिस्कसिंग करेंगे जहां पर हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 से 25% तक आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू में लगभग 6 मंथ तक का व्यू रहेगा। वहां से हम लोगों को 20 से 25% तक का रिटर्न आएगा। रीजन बिहाइंड क्या है? बिकॉज निफ्टी जो रहता है अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ दिया है। देख सकते हैं 22,957.60, यानी लगभग 360 पॉइंट का तेजी देखने को मिला, 1.59%। मॉर्निंग आवर्स वीडियो में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाजार में शानदार तेजी एक्सपेक्टेड है, आएगा। हमारा टारगेट 22,800 का था, उसको भी तोड़ करके ऊपर चले गए, तो अच्छा खासा तेजी बनी है। रीजन बिहाइंड क्या है? आरबीआई से आया बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर, एंड वहां से तेजी बनी है, निफ्टी बैंक में ब्रेकआउट आया। तो फ्रेंड, इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, किस किस कारण से शेयर मार्केट में इतनी तेजी बनी हुई है, एंड प्लस मेटल स्टॉक्स में भारी बिकवाली। इन सभी चीजों को इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया, आप सोचा कीजिए। अब हम लोग चेक करते हैं अपने स्टॉक्स की ओर। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला स्टॉक है फ्रेंड जो हमारा है बंधन बैंक, जो कि 185.90 के प्राइस में ट्रेड करी 1.31% कुछ हाल के साथ। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके लिए रेसिस्टेंस का लेवल है, ये बिल्कुल रेसिस्टेंस है 185.50, 185.90। एंड देखिए, ब्रेकआउट कभी भी ले सकता है, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। हमारा देखिए सबसे पहला रेसिस्टेंस जो बन रहा है 192 का, जहां पर रुक सकता है 192.45, 192.50, इस रेंज में रिकॉर्ड बनती है, वो टूटेगा तो 200 का टारगेट एंड 207 तक का टारगेट इमीडिएट यहां पर देखने को मिल सकता है। सपोर्ट इसके लिए 179 का बनेगा, जो कि थोड़ा डीप है, एंड टारगेट हमारा 240 प्लस का यहाँ निकल कर आ रहा है 6 मंथ्स का। बिकॉज रीजन बैन क्या है उसको हम लोग भी चेक करेंगे। देखिए, ब्रेकआउट अभी स्टार्ट हो रहा है, एंड यहाँ पर एक एंट्री बन सकता है हमारा। मैं कोई बायर सिग्नल आपको नहीं दे रहा हूँ, ये बस मैं अपने टेक्निकली आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बंधन बैंक का जो रिजल्ट जो आया था, बहुत ही शानदार रिजल्ट था। रिजल्ट खराब होने के पीछे एक ही रीजन क्या था? प्रोविजनिंग का नंबर खराब आया था। डिपॉजिट ग्रो किया था 25%, ग्रॉस एडवांसेस ग्रो बाय 14.55%, एंड यहाँ पर एनपीओ जो रहता है इसमें देखिए 4.9% से गिर करके 3.8% हुआ था। एंड प्लस कंपनी ने, याद ध्यान दीजिएगा, 1.50 रुपीज का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं 2,229 करोड़ का है। सो फ्रेंड, बहुत सारी चीजें इस बार का रिजल्ट में बढ़िया था, बस एक ही चीज खराब था, वो था कंपनी का प्रोविजनिंग, जिस कारण से कंपनी का रिजल्ट खराब हो गया। अदरवाइज सब कुछ अच्छा था, सेल्स वगैरह सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। एंड ये नहीं भूलिएगा कि कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। अब ये जो बंधन बैंक जो है, यहाँ पर भी शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग का भी अच्छा कैंडिडेट बन रहा है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है व्हेन रेफर्स टू बाइंग ऑफ शेयर्स इन ऑर्डर टू क्लोज एन एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजिशन। अगर आपने शॉर्ट पोजिशन यानी सेल किया है उस पोजिशन को, दैट पोजिशन उसमें क्या आता है, लोग बाई करते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग रेफर्स टू बाइंग ऑफ शेयर्स इन ऑर्डर टू क्लोज एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजिशन दैट हैज बीन सोल्ड। शॉर्ट कवरिंग सिग्नल्स शिफ्ट इन व्यू ऑन सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सट्रीम बियरिशनेस टू बुलिशनेस। तो यहाँ पर अब बंधन बैंक में एक्सट्रीम बियरिशनेस, बियरिशनेस से कहाँ बढ़ रहे हैं, बुलिशनेस यानी तेजी की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। और इन वेंसडे ट्रेडिंग सेशन 5 स्टॉक्स में जो लिस्ट था उसमें से बंधन बैंक देख सकते हैं तीसरे रैंक पे है। बंधन बैंक जिसमें ओपन इंटरेस्ट का चेंज देखने को मिल रहा है -1.75, एंड चेंज इन स्टॉक प्राइसेस 0.49%, यानी अच्छा खासा स्टॉक कवरिंग का कैंडिडेट बन सकते हैं, यहाँ तेजी बन सकती है फ्रेंड्स। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बंधन बैंक सीक्स एक्सटर्नल कैंडिडेट फॉर सीईओ रोल्स एज घोष सेट टू रिटायर। तो जो इसके जो जो सीईओ जो है वो रिटायर करने वाले हैं, डेट भी आ चुका है, यानी यहाँ पर नया जो सीईओ का रोल आएगा, कोई नया कैंडिडेट जो यहाँ पर एक्सटर्नल कैंडिडेट आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रह सकता है। हेड हंटिंग चल रहा है फर्म इगॉन हेंडर जो है करंटली वैल्यूएटिंग पोटेंशियल कैंडिडेट एंड इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट अ शॉर्टलिस्ट टू बंधन बैंक्स बोर्ड इन द कमिंग वीक। तो ये जब आएगा ना फ्रेंड, उस समय शेयर पकड़ में नहीं आएगा, अच्छी खासी तेजी बन जाएगी। तो हेड हंटिंग फर्म इगॉन हेंडर इज करंटली इवेल्यूएटिंग, ये इवेल्यूएट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा बंधन बैंक के लिए। नेक्स्ट कंपनी फ्रेंड, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड 150.40 के प्राइस में ट्रेड करिए। तो फ्रेंड, कई बार 149 तक भी जाता है, 148 तक भी जाता है, फिर 150 के ऊपर चला रहा है, यानी कि रेसिस्टेंस भी मिल रहा है, प्लस उसको कई बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रीजन बयान क्या है कि मैं इस शेयर को लाया, उसके पीछे रीजन क्या है कि कंपनी का रिजल्ट शानदार आया ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो 2,112 से बढ़कर के 2,170 हो गया, सेल्स बढ़कर आ रहा है, एंड प्लस कंपनी लास्ट ईयर लॉस में थी, 196 करोड़ से प्रॉफिट में आ गई, 13 करोड़ के प्रॉफिट में। तो अच्छा खासा इसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है। एंड प्लस कंपनी ने 1 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। चार्ट में फ्रेंड देख सकते हैं, 152.50, 85 रुपीज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेसिस्टेंट काम करेगा, बिल्कुल वही रेसिस्टेंट का काम किया, एंड अभी सपोर्ट जो मिल रहा है उसको 10 डे मूविंग एवरेज में मिल रहा है। देख सकते हैं छोटे छोटे कैंडल बने हुए हैं, 10 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट मिला, कभी भी यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट होगा एंड फिर ये शेयर जो रहता है 160-162 तक का मूव दिखा सकता है, लेकिन हमारा टारगेट 190 प्लस तक यहाँ निकल कर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा, 6 मंथ्स तक में आएगा। ओके सो फ्रेंड, चार्ट अभी बहुत ही बुलिश चार्ट बन रहा है, धीरे धीरे इसमें और बुलिशनेस बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड,
अगर जिन्हें भी चेक करना है, ब्रोकरेज रिपोर्ट कंप्लीट है वो जी एंटरटेनमेंट बंधन बैंक, इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। यहाँ पर क्लियरली बताया गया सभी सभी ब्रोकरेज की तरफ से जो रिपोर्ट है, क्या टारगेट है, सबने क्या सेट किया, सब कुछ यहाँ बताया गया। आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, लिंक अवेलेबल रहेगा आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो फ्रेंड, अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड कंपनी कैनरा बैंक। यहाँ पर 117.50 के प्राइस में ट्रेड करिए 1.29% के उछाल के साथ। सो फ्रेंड, पूरे निफ्टी बैंक पर अगर चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी तूफानी तेजी मची है और यहाँ पर स्टॉक में अभी आना बाकी है तेजी। 120 के ऊपर में जाएगा, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनेगी। और ये नहीं भूलेगा कि स्टॉक में, इस शेयर में डिविडेंड का भी तड़का लगा हुआ है। 3.22 रुपीज पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। इस चीज का आपको बहुत ही ध्यान से आपको ध्यान देना है। एंड यहाँ पर स्प्लिट ऑलरेडी हो चुका है, शेयर 1:5 का रेशियो था, स्प्लिट के बाद जो रहता है 3.22 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अभी बाकी है, आना बाकी है। एंड इसका रिकॉर्ड डेट देखिए फिक्स किया गया 17 जून 2024। बहुत लोगों का डाउट था कि क्या अभी शेयर लेंगे तो मिलेगा, तो फ्रेंड जरूर मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप आज खरीदते हैं या कल खरीदते हैं, आप 16 जून तक अगर शेयर खरीदिएगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। 17 जून तक आपको अपने डिमेट अकाउंट में शेयर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखकर ट्रेड करना है। रिकॉर्ड डेट मैंने बता दिया 17 जून 2024। अब है चार्ट, चार्ट को चेक करेंगे तो देख सकते हैं मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यहाँ पर बाई साइड को इंडिकेट कर रहा है। आवली चार्ट में 120 रुपीज टूटेगा, टारगेट जो रहता है 125-130 तक आसानी से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड ये था अपडेट अबाउट थ्री स्टॉक्स जो कि काफी बुलिश है एंड बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। सो कहना चाहूंगा कि तीन वीडियो यहाँ पर आज जरूर वॉच कीजिए। कैनरा बैंक स्प्लिट का स्टॉक स्प्लिट, कितना शेयर आएगा, कितना डिविडेंड मिलेगा, किस कारण से 16 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड नहीं मिल रहा आपको, 3 रुपए 22 पैसा, वो भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अदानी इंटरप्राइज को जरूर फोकस में रखिए, बहुत अच्छी तेजी बन रही है। एंड अदानी ग्रुप जो रहता है यहाँ पर विप्रो को रिप्लेस करने वाला है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। एंड बाजार में आज शानदार तेजी क्यों देखने को मिल रही है, इन सभी चीजों को आप वॉच कीजिए। इन सभी वीडियोस का लिंक जो रहेगा आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।